बिहारी बिजोड़ के आज के सेगमेंट में बात एक ऐसे बिहारी के बारे में जिन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। उनका योगदान देश की स्वतंत्रता आंदोलन में रहा। भारत के निर्माण के लिए उन्हें बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें अपने छात्र जीवन से ही देश की आज़ादी और समाज सेवा के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। उनका नाम है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म बिहार के औरंगाबाद जिले के पोइवा गांव में हुआ था। 18 जून 1887 को उनका जन्म हुआ। उनके पिता अपने जिले में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। देश उन दिनों आज़ादी की गुलामियों में जकड़ा हुआ था। उस समय वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। जब वे पटना कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को झोंक दिया था। उनके शुरुआती समय में ही सुरेंद्रनाथ बनर्जी और अरविंदो जैसे क्रांतिकारियों का साथ मिला, जो कि देश की गुलामी की जंजीरों से निकालना चाह रहे थे। अनुग्रह नारायण सिंह साल 1910 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद पटना विश्वविद्यालय में दाखिला करवाया था और उसी साल पटना में महात्मा गांधी के सहयोगी रहे महामना पोलक साहब पटना पहुंचे थे, जहां दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों पर उन्होंने अपनी बात रखी थी, जिससे अनुग्रह नारायण सिंह काफ़ी प्रभावित हुए। इसके एक साल के बाद इलाहाबाद में, यानी कि जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस सभा का अधिवेशन हुआ था, जिसमें वे अपने साथियों के साथ शामिल हुए थे, जहां पूरे देश के आज़ादी के मतवालों का जुटान हुआ था। गोखले सरीखे लोग इस अधिवेशन में पहुंचे थे। ऐसे में अब अनुग्रह बाबू का पूरा मन आज़ादी के मतवालों की तरह, एक तरह से कह लें कि आज़ादी के आहूत कर दिया था। पटना लौटने के बाद अपने छात्र जीवन से ही उन्होंने संगठन के लिए काम करना शुरू कर दिया। वे संगठन का कार्य तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। साल 1914 में उन्होंने इतिहास से MA किया और उसके बाद 1915 में उन्होंने लॉ की परीक्षा दी, जिसमें वे पास हो गए। इसी तरह भागलपुर के तेज नारायण जुबिन कॉलेज में एक प्रोफेसर की रिक्ति को लेकर आवेदन जारी हुआ। अनुग्रह नारायण सिंह के दोस्तों ने फॉर्म भरने की सलाह दी। लगभग एक साल भी नौकरी उन्होंने नहीं किया था और साल 2016 में उन्होंने कॉलेज की नौकरी छोड़ दी और पटना हाईकोर्ट में वकालत करने लगे। वकालत में भी एक साल से ज़्यादा का समय नहीं दिया और चंपारण में महात्मा गांधी का तिनकठिया पद्धति के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया था। चंपारण में किसानों की स्थिति को देखकर अनुग्रह नारायण सिंह को रहा नहीं गया और उन्होंने चंपारण जाने का फैसला कर लिया। इस दौरान मुजफ्फरपुर के कमिश्नर का जो फैसला था, उसके विरोध में गांधी जी ने जांच शुरू करने को कह दिया। इस दौरान इस बात की भी हिदायत दी गई थी कि आपको जेल जाना पड़ सकता है। राजेंद्र प्रसाद के कहने पर अनुग्रह बाबू चंपारण जाने को तैयार हो गए और तमाम तरह की कठिनाइयों को पार करने के लिए वे अपने आप को तैयार कर लिए थे। इस दौरान करीब 4 साल तक यह आंदोलन लगातार चलता रहा और अनुग्रह बाबू लगातार इसमें काम करते रहे। अंग्रेजों के खिलाफ मुखर होकर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। हालांकि इस दौरान कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन वे डटे रहे। इस दौरान अनुग्रह नारायण सिंह को गांधी जी का भी पूरा साथ मिलता रहा, जिसका नतीजा यह हुआ कि किसानों का नील का आंदोलन जीतने में उन्हें सफलता मिली और साल 1917 में वे पटना वापस आ गए। पटना लौटकर आने के बाद संगठन के कार्यों में वे सक्रिय रहे, खासकर महात्मा गांधी के साथ जुड़कर अनुग्रह नारायण सिंह काम करने लगे थे। महात्मा गांधी के साथ काम करते हुए 26 जनवरी 1933 को भारत आज़ाद कराने की एक घोषणा पत्र पढ़ा गया था, जिसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। तब वे 15 महीने तक जेल में बंद रहे थे। जब वो जेल में थे तो उसी समय बिहार में भूकंप आया। भूकंप के कारण भारी तबाही हुई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। इस दौरान अंग्रेजों ने ज़्यादा मदद नहीं की। इन सब के बीच में अनुग्रह नारायण सिंह काफ़ी दुखी हुए, लेकिन जब वे जेल से बाहर निकले तो उन्होंने एक कमेटी बनाई तो लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। इसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह महात्मा गांधी के साथ मिलकर करो या मरो का नारा दिया था, जिसमें एक बार फिर से उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि मेरा परिचय अनुग्रह बाबू से बिहारी छात्र सम्मेलन में ही सबसे पहले हुआ था। मैं उनके शक्ति संगठन और हाथ में आए हुए काम में उत्साह देकर खुश हो गया था। उनका वह उत्साह समय के साथ और भी आगे बढ़ता चला गया। उन्होंने कहा कि बिहार में शायद ही कोई ऐसा कार्य हुआ हो जिसमें उनका सहयोग और सनद न मिला हो। 1937 में अनुग्रह बाबू बिहार प्रांत के वित्त मंत्री बने। अनुग्रह बाबू बिहार विधानसभा में 1937 से लेकर 1957 तक बिहार कांग्रेस दल के उप नेता रहे। 1946 में जब दूसरा मंत्रिमंडल बना तो वित्त और श्रम दोनों विभाग पहले उनको मंत्री बनाया गया। उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में विशेषकर श्रम विभाग में अपनी न्यायप्रियता, लोकतांत्रिक विचारधारा एवं श्रमिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का भी परिचय दिया था, जो कि काफ़ी
सराहनीय और अनुकरणीय रहा था। आजाद भारत में वे 13 साल तक बिहार प्रांत के उप प्रधानमंत्री सह वित्त मंत्री रहे और साथ ही साथ एक दर्जन विभागों के वे मंत्री भी रहे थे। वे सरकारी यात्राओं में भी स्वयं की तनख्वाह से भोजन करते थे और अविभाजित बिहार के सुदूर हिस्सों तक बिना किसी काफिले और पुलिस सुरक्षा के अपनी खुद की गाड़ी से वे जाया करते थे। यही कारण था कि बिहार के जनमानस ने उन्हें बिहार विभूति के अलंकार से सुशोभित भी किया था और बिना किसी प्रचार प्रसार के उनके आगमन पर यूं ही भीड़ लग जाया करती थी। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वे 16-16 घंटे काम किया करते थे। इस दौरान उनके कमरे में अधिकारी से लेकर भूंजा बेचने वाला भी व्यक्ति उनके कमरे में एक साथ खड़ा हुआ करता था। आधुनिक काल में बिहार के अनुग्रह बाबू वैसे बिरले ही महापुरुष हुए जिनके प्रति राज्य सदैव कृतज्ञ रहेगा और जिनका नाम इतिहास के पन्नों में सदा के लिए बरकरार रहेगा। ये राज भागशाली रहा है जिसे अनुग्रह बाबू जैसा रत्न मिला। ये सब जो थे ये राजेंद्र प्रसाद के सब थे। अनेक बार प्रधानमंत्री नेहरू ने अनुग्रह बाबू को केंद्रीय सरकार में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन वे बिहार से बाहर होने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। साल 1947 में गृह मंत्री रहे गोविंद बल्लभ पंत जी ने अनुग्रह बाबू के मध्य प्रदेश में राज्यपाल बनने का आग्रह किया था। अनुग्रह बाबू राजी नहीं हुए और उन्होंने आखिरी समय तक बिहार का ही साथ दिया। आखिरी समय जब बिहार और बंगाल के लिए काम करते रहे। साल 1947 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम के बैठक में नव स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें 150 प्रतिनिधियों को उन्होंने संबोधित किया था और ये सारे लोग उनके भाषण सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। जिसके बाद उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर 300 मिलियन लिखी थी। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के दक्षिण बिहार में जहां उद्योग को लेकर एक सबसे बेहतर काम किया, तो वहीं उत्तर बिहार में उन्होंने कृषि के क्षेत्र में एक बेहतरीन रोड मैप बनाया था। और कहते हैं कि अनुग्रह नारायण सिंह जब बिहार के मंत्री के रूप में काम किए, मुख्यमंत्री के रूप में काम किए, तब बिहार जो है देश के अग्रणी पंक्ति में खड़ा रहा था। वे जब बिहार सरकार में मंत्री रहे तो उन्होंने कभी भी सरकारी सामान का दुरुपयोग नहीं किया। एक दिन टेलीफोन के तार से उलझकर वो गिर गए, जिसके बाद सुबह कभी उठ न सके। जब राजेंद्र बाबू उनसे देखने यानी कि उनसे जब मिलने आए तो उनके सिरहाने में सिर्फ बैठे ही रह गए। इतना ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण उनके घर पर आकर रहा करते थे। उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे देशवर साहब और प्रधानमंत्री नेहरू सप्ताह में एक बार उनसे मिलने, उनका हाल चाल लेने पटना जरूर पहुंचते थे। गिरने के बाद करीब एक महीने तक बिहार की जनता ने उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की, लेकिन वे ठीक न हो सके और 5 जुलाई 1957 को वे इस दुनिया से अलविदा कह गए। इस दिन स्वतंत्र भारत का एक प्रकाश पुंज सदा के लिए बुझ गया। अनुग्रह नारायण सिंह के निधन पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई थी। आज भी जब बिहार के अतीत की चर्चा होती है तो उसमें अनुग्रह नारायण सिंह का नाम बड़े ही गर्व के साथ लिया जाता है। इसलिए तो उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। और चलते चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ, अनुग्रह नारायण सिंह को आप बिहार की राजनीति में कैसे देखते हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।